मिर्ज़ापुर में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल ने सेंट मैरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत, कहा जिलों की पांचों सीट भाजपा गठबंधन जीतने जा रही है। पिछले 5 सालों में विकास की दृष्टि से देखें तो बाण सागर, जल जीवन, मेडिकल कॉलेज और विकास की श्रृंखला को देखते हुए बीजेपी गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में सुबह 9 बजे तक 9.14% मतदान किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच 2268 बूथ पर मतदान जारी है। मंझवा विकास खंड के धनरपुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। करीब 11 बजे तक मात्र 18 लोगों ने ही मतदान किया। जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे मतदान के बीच बीजेपी और सपा में लड़ाई है। नगर सीट पर बीजेपी के रत्नाकर मिश्र, सपा के कैलाश चौरसिया, कांग्रेस के भगवान दत्त राजन पाठक, बसपा के राजेश पांडे और आम आदमी पार्टी से सुरेश सिंह समेत 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। जबकि मरिहान सीट पर योगी के मंत्री बीजेपी से रामाशंकर सिंह पटेल, सपा के रविंद्र बहादुर सिंह, कांग्रेस की गीता देवी, बसपा के नरेंद्र सिंह कुशवाहा और आम आदमी पार्टी के राजेश सिंह और अपना दल के अवधेश सिंह के साथ कुल 14 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनार में बीजेपी के अनुराग सिंह, सपा से रामाशंकर प्रसाद सिंह, कांग्रेस की सीमा देवी, बसपा से विजय कुमार और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र कुमार समेत 14 प्रत्याशी डटे हुए हैं। 96 क्षेत्र से अपना दल सपा की कीर्ति कोल, कांग्रेस के भगवती चौधरी और बसपा के दिनेश्वर के साथ कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मंझवा सीट पर निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद, सपा के रोहित शुक्ला, कांग्रेस के शिवशंकर चौबे, बसपा की पुष्पलता और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शेषधर दुबे समेत 14 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 1336 मतदान केंद्र और 2268 पोलिंग बूथ बनाया गया है। 96 विधानसभा क्षेत्र के 466, मिर्ज़ापुर में 451, मंझवा में 472, चुनार में 434 और मरिहान में 445 मतदान बूथ बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ 466 96 विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि सबसे कम 434 चुनार क्षेत्र में। नक्सल प्रभावित जिले में संवेदनशील बूथ की संख्या 336 तो अति संवेदनशील बूथ की संख्या 175 है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 21 जोनल मजिस्ट्रेट और 145 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। 96 क्षेत्र के 4 जोनल, 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट, मिर्ज़ापुर में 3 जोनल, 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट, मंझवा के 4 जोनल और 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट, चुनार में 5 जोनल और 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट और मरिहान में 5 जोनल और 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। नेक्स्ट 9 आसन। राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर NDA गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आईं उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और NDA गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाण सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, NH की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुरू हुआ, तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुँची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और NDA के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है, पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि NDA गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है NDA की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। बेस्ट यूपी की आपने वोट कास्ट किया है, क्या लग रहा है आपको कि चुनाव आगे जा रहा है? मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया, मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने
और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की पांचों सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना आप सीट यहाँ, मतलब पांचों सीट की बात करें जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे पांच सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिस पे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है, चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, NH की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ, ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुँची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और NDA के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है पिछली बार तो काफ़ी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, सातवें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो सातवें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है।